हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज एट रैंडम। टिफिन हो या फिर बच्चों की पिकनिक, फटाफट से कोई स्नैक बनाना हो तो बनाइए ये गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। मैं इसे बना रही हूँ दो तरीके से, विदाउट चीज और लोडेड विद चीज, और ये बन जाएगी सिर्फ 5 मिनट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, बटर, धनिया पत्ता, चीज, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, मिक्स्ड हर्ब्स और गार्लिक। इसे मैंने ग्रेट करके लिया है। तो ले लेते हैं एक मिक्सिंग बोल, डाल दीजिए बटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, गार्लिक अराउंड 1 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट और रेड चिली फ्लेक्स। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं ब्रेड स्लाइसेस, और ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर इसकी एक थिन लेयर अच्छे से लगा देंगे। चारों तरफ से इसमें अच्छे से लगा दीजिए। और ये देखिए, मैंने दोनों ही ब्रेड स्लाइसेस रेडी कर ली हैं। बस इसे हम रख देंगे साइड में, और इसके बाद हम रेडी कर लेंगे गार्लिक ब्रेड चीज के साथ। और बस इसे रख देते हैं। तो चलिए बनाते हैं मिक्सचर विद चीज। इसके लिए फिर से मैंने एक बोल ले लिया है, डाल दिया है बटर, धनिया पत्ता ऐड कर दीजिए, बहुत सारा चीज ऐड कर दीजिए जितना आपके बच्चों को पसंद हो, गार्लिक, मिक्स्ड हर्ब्स, रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा ही डालिए क्योंकि चीज में ऑलरेडी थोड़ा सॉल्ट होता है। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस इसके लिए भी ले लीजिए ब्रेड स्लाइसेस। और इसे भी लगा दीजिए अच्छे से ब्रेड के ऊपर। दोनों ही ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मैं अच्छे से इसे लगा दूंगी। किटी पार्टी हो या फिर बर्थडे पार्टी, एक एडिशनल स्नैक के लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फटाफट बन जाती है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। पैन भी गर्म हो चुका है, मैंने लगा दिया है बटर, और ये देखिए मैंने ब्रेड स्लाइसेस रख दी हैं। ये विदाउट चीज है इसलिए हम इसे दोनों तरफ से सेक सकते हैं। और बस 1 मिनट के बाद इसे टर्न कर लीजिए। नीचे से एक बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, क्रिस्प हो चुकी है ये। बस हल्का सा कुक करने के बाद इसे निकाल लेंगे और ये रेडी है। ये रेडी हो चुकी है। और सेम पैन में हम बना लेंगे गार्लिक ब्रेड चीज के साथ। फिर से मैंने बटर लगा दिया है, और इसे हम कवर करके कुक करेंगे जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए। नीचे से एक बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा, क्रिस्प हो जाएगी, और ऊपर से चीज मेल्ट कर जाएगा। तो ये देखिए, बस 1 मिनट के बाद चीज मेल्ट हो गया है, नीचे से क्रिस्प हो चुकी है। तो चलिए सर्व करते हैं। हल्का सा मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं, और इसे हम देंगे स्टिक्स का फॉर्म, इसलिए मैंने इसे ऐसे कट कर दिया है। और ये आपकी ब्रेड स्टिक्स बिल्कुल रेडी हैं। और ये कट कर लेते हैं विदाउट चीज। बहुत ही अच्छा इसमें गार्लिक का फ्लेवर आता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे अपनी फेवरेट चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी इजी और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।